हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कैब ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम ये बनाएंगे कैब। देखिए, एक छोटा सा पॉम पॉम भी मैंने इसमें लगाया है सॉरी। और अब हम इस कैब को पहले मेजर करेंगे, क्योंकि ये मैंने बनाई है 2 से 3 साल के बच्चे के लिए, या आप कह सकते हैं 4 साल तक पहन सकता है बच्चा। और इसके 2 इंचेस का तो बॉर्डर है और 6 इंचेस मैंने इसकी लेंथ रखी है। और अब हम इसकी गोलाई नाप लेते हैं। तो ये है करीब, देखिए बराबर रखकर हम इसे मेजर करेंगे, और ये है करीब 9 इंचेस। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इसे पूरा कंप्लीट करके इस पे एक छोटा सा पॉम पॉम लगाया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जैसा पसंद करें। छोटे बच्चों को पॉम पॉम पसंद आता है, तो मैंने इसलिए ये लगाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने बॉर्डर बनाया था 2 इंचेस का, हम पहले वो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ये स्लिप स्टिच करी है और हम 10 चेन बनाएंगे। अब 10 चेन में हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, क्योंकि वो हमारी हाइट के लिए हो जाएगी। और हम सेकंड जो हुक से सेकंड चेन है, उसमें हम क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 9 सिंगल क्रोशिया होंगे। और इसकी हम एक पट्टी बनाएंगे जो बॉर्डर का काम करेगी। तो हम इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल हो जाएंगे 9 सिंगल क्रोशिया। अब ये 9 सिंगल क्रोशिया से हम पट्टी बनाएंगे, तो हम हर बार काउंट करते रहेंगे। तो काउंटिंग से हमारा आराम से पट्टी बिल्कुल एक सार और बढ़िया बनेगी। आप देखिए, ये 9 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमने एक चेन बनाई, टर्न करा, और देखिए ये वी शेप दिख रहा है आपको इसमें। अब इसमें जो हमारा पीछे का लूप है, बैक लूप, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पट्टी में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हर बार सिंगल क्रोशिया आप बैक लूप में ही करेंगे, यानी पीछे वाले धागे में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या फायदा, ऐसा करने से हमारी इसमें टेक्सचर आ जाएगा, एक एक बहुत अच्छा सा लुक आएगा, जैसे आपने बॉर्डर में देखा था। तो हम इस तरह से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सारी चेन यानी काउंट करते रहेंगे हम, तो 9 हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है यहाँ पर। और दूसरी बात, हम जो इस तरह से बनाते हैं तो ये थोड़ा ना स्ट्रेची हो जाता है, यानी खिंचाव इसमें आराम से पड़ता है। और फिर वो जो सिर की शेप है, हेड की शेप है, ये बहुत अच्छे से ले लेता है। तो थोड़ा स्ट्रेची होने से बच्चों को फंसा फंसा नहीं लगता है और कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरह से हम इसमें 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम एक चेन बनाएंगे लास्ट में, और फिर हम टर्न करेंगे। तो लास्ट में एक चेन और टर्न। अब फिर इसी तरह से हम सिर्फ बैक लूप में ही ये बनाएंगे। तो बैक लूप में इस तरह से हमने फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी जब तक हम जितनी हमें लेंथ रखनी, यानी जितनी सिर की गोलाई है उस हिसाब से ही आपको लेंथ रखनी। तो आप चाहे बड़ों के लिए बनाएं और छोटे बच्चों के लिए बनाएं, या टीनेज के लिए बनाएं, किसी भी एज ग्रुप में उसके हेड का साइज आपको लेना होगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये कंप्लीट कर ली है पूरी, और अब मैं इसको ज्वाइन करूंगी। अब ज्वाइन करने में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो उल्टी तरफ है उस तरफ से नहीं, बल्कि आपको सीधी तरफ से ज्वाइन करना है। और सीधी तरफ से आप ज्वाइन करेंगे, जब उसे पलटेंगे तो वो सीधा हो जाएगा, यानी जो बाहर के साइड, आपकी बाहर के साइड जो आएगा हिस्सा, वो आपको वहां पर ज्वाइन दिखेगा, ताकि वो फोल्ड होकर वो सीधी तरफ आपकी आगे आ जाए, ऊपर आ जाए, ठीक है ना। तो जो आपकी धारी आएगी जो ज्वाइंट की, वो आपको आगे दिखनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये मैंने
दोनों उल्टी तरफ को आगे की तरफ करा और फिर मैं उन्हें ज्वाइन कर रही हूँ ताकि धारी मुझे आगे की तरफ दिखाई दे, और मैं इन्हें यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूँ। तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने में आप नौ नौ दोनों साइड है चेन, तो आप दोनों को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। नौ नौ हर एक चेन में दोनों साइड की एक एक चेन लेकर धागा लेंगे और उसे बिना बुने हम उतार देंगे, तो ये हमारी स्लिप स्टिच कहलाती है। बिना बुने उतारना स्लिप स्टिच कहलाता है, तो हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए जो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो आपको समझ में आएगी। अब तो ये इस तरह से हमने ये स्लिप स्टिच करा और ये हमारी उल्टी तरफ आगे की तरफ हो गई है ना, यानी वो सीधी तरफ आ जाएगी हमारी, हम उसे सीधी तरफ करके बुनेंगे ताकि जब हम इसे फ्लैप को मोड़ेंगे ना तो वो हमारी जो एक्चुअल में सीधी तरफ है वो ऊपर आ जाएगी इस तरह से। ये देखिए अब ये यहाँ पर जॉइंट है और मैं इसे सीधी तरफ करके बुन रही हूँ, तो इस तरह से आपको लेना। देखिए यहीं पे मैंने बुनना शुरू करा, सबसे पहले मैंने ये टू चेन बनाई और जो पहला हमारा फंदा है या हमने जहाँ पे ज्वाइन करा है वहां पे डबल्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट में डबल्स यानी हमने जितने रो करे हैं वो सिंगल क्रोशे के लगभग उतने ही हम यहाँ पे डबल्स उठाएंगे, तो हर एक रो में एक डबल्स हमें उठाना है या डबल क्रोशिया हमें उठाना है और बुनते जाना है। तो इस तरह से हमारा ये पहला राउंड होगा, इसमें हम डबल क्रोशिया उठाएंगे और प्लेन डबल क्रोशिया बुनेंगे, इसमें कुछ हमें चेंज नहीं करना है ना। तो जहां अगर आपको जिस साइज का भी कैप बनानी है वो यहीं पे डिसाइड हो जाएगी आपने किस साइज का हेड शेप लिया है ना, और फिर उसके बाद जो है वो आपको सिर्फ लेंथ इंक्रीज करना है, आपको जितनी लेंथ होगी उतना बनाना है और फिर रिड्यूस करना, वो चीज आपको देखनी होगी। तो चलिए देखते हैं, ये मैंने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, सिंगल क्रोशे करें सॉरी डबल्स करें या डबल क्रोशे करें और मैं इस तरह स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। अब फिर मैंने एक चेन ली, ये हमारी काउंट नहीं होगी, और एक उसी में एक डबल्स मैंने बनाया डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो हमारा डबल्स है इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे से धागा क्रोशिया डाल के धागा लिया और फिर उसको डबल क्रोशिया बुन दिया। एक बार फिर देखिए मैंने पीछे से डबल क्रोशिया में धागा डाला, चेन में नहीं डाला, और इस तरह से धागा लिया और ये हो गया हमारा बैक पोस्ट डबल्स। इस तरह से हम यहाँ पे फोर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार बनाएंगे हम ये। अब ये देखिए अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, फ्रंट यानी आगे के साइड से मैंने क्रोशिया डाला है इस तरह और मैंने उसको डबल क्रोशिया बुन दिया। एक और बनाएंगे, यहाँ पे दो दो फ्रंट पोस्ट की ये जो धारियां बन रही है ना, अब हमें जहां पर हम बैक पोस्ट कर रहे हैं उसमें हमें फ्रंट पोस्ट को हमें धारी ही बनानी है ना। तो जहाँ बैक पोस्ट कर रहे हैं वहां बैक पोस्ट, और जहाँ फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं वहां फ्रंट पोस्ट हम इस तरह से ही बनाएंगे। ये देखिए अब चार बैक पोस्ट कर लिए हमने, अब हम टू फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर फोर बैक पोस्ट बनाएंगे हम, और इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हमने डिजाइन हमने थोड़ा थोड़ा डाल लिया है, और देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट और ये कंप्लीट किया है। अगर आपका एक दो फंदे इधर उधर हो रहा है तो आप उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एक आध फंदा बढ़ा कर भी ले सकते हैं, एक दो उसमें यानी कि चार बैक पोस्ट की जगह आप पांच भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इनसे इसी तरह से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट हम इसी तरह से बनाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं करना है हमें, सिर्फ हम जैसे हमने अभी बेस बनाया अपना फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का, हम बिल्कुल उसके ऊपर वैसे ही आगे बुनते चले जाएंगे। तो
ये देखिए, ये दो फ्रंट पोस्ट है, इन्हें फ्रंट पोस्ट बुनेंगे हम, और ये बैक पोस्ट है, इसे बैक पोस्ट ही बुनेंगे। इस तरह से हमें फंदे लेने हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और ये देखिए, ये इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे, और हमें जितना बड़ा इसे बनाना है उतना बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इतना बड़ा बनाया है, और इसको करीब हमने जितनी लेंथ रखनी थी हमने उतनी लेंथ इसकी रख ली है। अब हम यहाँ पर आगे बुनेंगे, और अब यहाँ से हमारा डिक्रीज शुरू होगा। तो देखिए एक चेन बनाई मैंने और एक फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब हम आगे लेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 फोर बैक पोस्ट है ना। अब इसमें को हम रिड्यूस करेंगे, यानी कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज देखिए, बैक पोस्ट हमने लिया, एक बार इसको बुना, जैसे डबल्स में हम बुनते हैं, एक बार बुना रोक दिया, फिर बैक पोस्ट हमने लिया, फिर एक बार बुना रोक दिया। अब यहाँ ऊपर 3 फंदे हैं, और अब हम इन्हें तीनों को एक साथ हम बनाएंगे, बाकी के 2 बचे वो ऐसे ही हम बुन के उतार लेंगे। तो यानी पहले यहाँ पे 4 थे बैक पोस्ट, अब यहाँ पर हो गए हैं 3। तो हमने यहाँ पर एक बैक पोस्ट फंदा हमने घटा दिया है। अब है ये 2 फ्रंट पोस्ट, तो इनको ऐसे ही बनाएंगे हम, इन्हें नहीं हम रिड्यूस करेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल। अब इसके बाद है ये, फिर से ये 4 आ गए हैं, फिर से हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ रोका हमने, फिर से रोका और रिड्यूस, फिर उसके बाद बाकी के 2 बैक पोस्ट हम कंप्लीट करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट या 2 फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे, और इसी तरह से हम पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना होगा इसी तरह। एक और, अब तीनों को एक साथ, और बाकी के 2 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। तो ये हम इसी तरह से बुनेंगे, फ्रंट पोस्ट ऐसे के ऐसे। अब देखिएगा पूरा हमें इस तरह कंप्लीट करना है। तो हमारा ये रो कंप्लीट हो गई राउंड। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए चलेंगे। हमने एक चेन बनाई, अब हम आगे फ्रंट पोस्ट इसको बुनेंगे, एक फंदे को, अब है फिर से बैक पोस्ट, अब यहाँ पर 3 है। अब इन 3 को फिर हम एक साथ लेंगे, तो 2 जो पिछली बार 2 एक करे थे उन्हें हम एक बार बुन कर लेंगे, और एक और फंदा हम एक्स्ट्रा उसे भी बुन लेंगे। अब तीनों को एक साथ हमने बुन दिया, अब एक ही बचा है, इसको भी हम बैक पोस्ट बुन देंगे। अब ये 2 फ्रंट पोस्ट, इस तरह से लेंगे, फिर अब 2 बैक पोस्ट एक साथ बुनेंगे, यानी फिर एक फंदा हम रिड्यूस कर रहे हैं। अब फिर तीनों को एक साथ कर दिया, और एक बैक पोस्ट हम सिंपल जैसे बुन रहे थे हम वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे भी एक एक फंदा हर एक कली में हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये अलग अलग कलियां बन गई हैं। अब इसमें हम फंदे रिड्यूस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में ये 2 है, 2 का हम एक कर देंगे, तो इस तरह से हम इसमें फिर फंदे रिड्यूस करेंगे। अब देखिएगा, पहले ये फ्रंट पोस्ट स्लिप स्टिच से ज्वाइन करा था, अब ये दोनों फंदे एक साथ जो हमने बुने थे उसमें हमने बुना, और एक फंदा जो रह रहा था उसको भी हम
बुन लेंगे और तीनों को एक साथ, फिर ये दो फ्रंट पोस्ट हम बुनेंगे, टू फ्रंट पोस्ट। अब हम आगे फिर ऐसे रिड्यूस करेंगे और पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिएगा अब ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा ये लंबा धागा ले लेंगे और इसको धागे को कट करके और इसे एक निडल में डाल लेंगे, या स्वेटर सुनने वाली जो सुई होती है, या आप कह सकते हैं टेपेस्ट्री नीडल, उसमें हम डाल लेंगे धागे को और इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए इसे फंदे को मैंने यहीं पे रोक दिया और अब मैं एक फंदा उठाऊंगी सुई में, दूसरा छोड़ दूंगी। तो इस तरह से हम इसे छोड़ेंगे, ये देखिए, और फिर एक छोड़ेंगे, एक फंदे को उठाएंगे, फिर ये छोड़ा, नेक्स्ट उठाया, फिर एक छोड़ा, नेक्स्ट उठाया, फिर एक फंदा छोड़ेंगे, नेक्स्ट को उठाएंगे। हम इस तरह से इसे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये उठाया और अब देखिएगा इसे हम इस तरह से खींच कर इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। इसको अच्छी तरह से क्लोज करने के बाद हम धागे को अंदर की तरफ ले लेंगे और हम इसे फिर अच्छे से अंदर की तरफ भी बुनेंगे। देखिए मैंने धागे को अंदर की तरफ ले लिया, अब हम इसको अच्छे से दबाते हुए हम इसे बुनेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और धागा निकले नहीं। इस तरह से हम इसे ले लेंगे दो तीन बार ताकि सारे फंदे अच्छे से दब जाए, और उसके बाद हम इसको यहीं पर छोड़कर आगे देखेंगे। तो आप जानते ही हैं, ये है मेरा चैनल अंशुमन की धागी। अब इस तरह से लेने के बाद अब हम इसके लिए एक छोटा सा पॉम पॉम बनाना शुरू करेंगे। देखिए मैंने अभी इसे अच्छे से चारों साइड से इसे अच्छे से दबाने की कोशिश कर रही हूँ और आप इस तरह से इसे छोड़ सकते हैं ताकि मैं बाद में पॉम पॉम भी इसको मैं अटैच कर सकूं और फिर इसको रोक सकूं। चलिएगा अब हम यहां पर पॉम पॉम लगाएंगे और पॉम पॉम के लिए अब हम पॉम पॉम बनाएंगे। तो मैंने एक छोटी सी डिब्बी ले ली है इस तरह से और इस पर मैं धागे को लपेटना शुरू करूंगी। देखिएगा कुछ इस तरह से, और ये मैं करीब 75 to 80 टर्न्स लूंगी। और मैंने देखिए ये एक धागा काट लिया, डबल कर लिया इसे। अब मैं इसमें से धागे, ये सारे धागे निकाल लूंगी और क्रोशिया की मदद से इसे पिरो दूंगी। अब ये क्रोशिया हटाकर मैं इसे अच्छी तरह से गांठ लगा लूंगी, इस तरह से कस के, मजबूत से। देखिए धागा ही रह गया, इसको भी हम अंदर दबाकर और फिर और गांठ लगा लेंगे और कस के गांठ लगा लेंगे। और बार अब मैं इसको कट कर दूंगी, इस तरह से कट कर लेंगे हम इसे। जो धागे रह गए इन्हें भी कट कर लेंगे और इन्हें इक्वल कर लेंगे क्योंकि ये अलग अलग साइज के हो रहे हैं, तो इस तरह से पकड़ लीजिए आप इन्हें और फिर इन्हें एक साइज का काट लीजिए। देखिए ये रफ है, इन्हें सबको एक साइज का काट लीजिए, थोड़ा सा और हिला हिला कर, और इसमें से जो धागे टेढ़े मेरे हों उनको फिर दोबारा से पकड़ के एक सार करने की कोशिश करके हम इन्हें काट देंगे। देखिएगा ये कुछ धागे बाद में निकले और ये मैं इन्हें काट कर फिर इन्हें इक्वल कर दूं।
और ये हमारा एक छोटा सा पॉम-पॉम तैयार है, और इसको भी सुई की मदद से यहाँ पर मैं स्टिक कर दूंगी, इसे सिल दूंगी। तो ये हमारी कैप हो गई है तैयार। आपको कैसी लगी कैप, आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।